हेलो गिक्स, दिस इज़ नील एंड मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल सीरीज की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी विकिपीडिया डेफिनेशन से। अ टेक्निक फॉर डिटर्मिनिंग द स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स वेयर अ चेंज इन अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद एंड डिपेंड्स ऑन अ चेंज इन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डेफिनेशन को समझने से पहले समझ लेते हैं कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स का क्या मतलब है। लेट्स से हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, x एंड y, वेयर x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट। x के इंडिपेंडेंट एंड y के डिपेंडेंट होने का मतलब है कि वेरिएबल y इज somehow डिपेंडेंट ऑन x। मतलब अगर x की वैल्यू में चेंज होता है तो करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू भी चेंज होगी। अगर x की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है, जैसे कि यहाँ हो रही है, x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो y आया 4, अगर x की वैल्यू मैं 2 रखूँगा तो y आएगा 7, x की वैल्यू मैंने 4 रखी तो y आया 13। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू चेंज करता हूँ तो करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू चेंज हो रही है। इसका मतलब है कि y जो है x की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, लेकिन x इंडिपेंडेंट है, इसलिए किसी और वेरिएबल की वैल्यू चेंज होने पर x की वैल्यू पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। बैक टू द मेन टॉपिक ऑफ द रिग्रेशन, अगर आसान शब्दों में कहूँ तो रिग्रेशन एक ऐसी स्टैटिस्टिकल अप्रोच है जिससे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशन को मैथमेटिकली डिटरमिन कर सकते हैं। और हाँ, जब हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो उसे सिंपल रिग्रेशन कहते हैं, और अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन 1 तो उसे मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फेरेनहाइट। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.8 सी प्लस 32 ये एक लीनियर रिलेशन है। अब यहाँ हमने सी की वैल्यू 37 रखी तो आंसर आएगा एफ इक्वल्स टू 98.6, विच इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप। ये जो ग्राफ है इससे भी ये देख सकते हैं कि अगर सेल्सियस में 0 है तो वहाँ 32 एफ फेरेनहाइट होगा, सेल्सियस में टेम्परेचर 10 है तो 50 एफ फेरेनहाइट होगा, एंड सो ऑन। ओके, आई एम श्योर आपने लीनियर इक्वेशन वाई इक्वल्स टू एम एक्स सी ज़रूर पढ़ी होगी, जिसमें वाई इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड एम जो होता है, एम यहाँ पर बीटा वन है विच इज़ स्लोप, एंड सी जो यहाँ पर बी नॉट है विच इज़ वाई इंटरसेप्ट। ये लाइन मैंने क्यों इंट्रोड्यूस की, मैं आगे वीडियो में ये आपको बताऊँगा। सपोज़ हमारे पास ये हाउसिंग डेटा सेट है जिसमें एरिया स्क्वायर फुटेज में गिवन है और प्राइस ऑफ द हाउस सेलिंग प्राइस डॉलर में गिवन है। फॉर द टाइम बीइंग ये बेडरूम्स का एट्रीब्यूट कमान, बेडरूम के एट्रीब्यूट को कंसीडर नहीं करते हैं थोड़ी देर के लिए। द प्राइस ऑफ द हाउस, अगर हम इस डेटा को प्लॉट करेंगे तो इट वुड लुक लाइक दिस। हियर जो रेड डॉट्स दिख रहे हैं वो हमारा ओरिजिनल डेटा है, और ये जो ब्लू लाइन दिख रही है वो हमारी प्रेडिक्टेड लाइन है, और ये जो ब्लैक लाइन दिख रहे हैं हर डॉटेड डेटा से ब्लू लाइन तक, वो हमारा डिफरेंस है, और वी कैन से हमारा एरर है। सो अब एक बात आती है बेस्ट फिट लाइन की। आपने कभी ना कभी बेस्ट फिट लाइन के बारे में ज़रूर सुना होगा, मे बी स्टैटिस्टिक्स या मशीन लर्निंग के कोर्स में। लाइन को बेस्ट फिट करना है, ये जो डेटा पॉइंट्स प्लॉट किए हैं
2D प्लेन पे, इनसे एक ऐसी रिग्रेशन लाइन पास करनी है कि जब हर पॉइंट से लाइन का एरर फाइंड करके उसका सम करें तो वो मिनिमम हो। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इन प्लॉटेड डेटा पॉइंट से एक ऐसी रिग्रेशन लाइन पास करनी है कि जब हर पॉइंट से लाइन का एरर फाइंड करें तो वो एरर मिनिमम हो। क्यों हम मिनिमम एरर की बात करते हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वी आर अज्यूमिंग कि हमारा जो डेटा है वो कम्प्लीटली लीनियर है। नाउ ये हमारा रियल डेटा है और ये हमारी प्रेडिक्टिव लाइन है। बेसिकली इन सभी पॉइंट्स को इस लाइन पर होना चाहिए क्योंकि हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये एक लीनियर डेटा है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। डेटा कैन नॉट बी कम्प्लीटली लीनियर, इसलिए हमारी प्रेडिक्टिव लाइन और रियल डेटा में कितना डिफरेंस है ये डिटरमिन करते हैं, जिसे हम एरर भी कहते हैं। एंड बेस्ट फिट लाइन यानी ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं कि ये जो एरर है वो मिनिमाइज हो सके। नाउ वी हैव एरर, सो एरर कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव लाइक दिस, 0.+0.5 एंड -0.5। देन जब हम इसका समेशन करते हैं तो 0.5 -0.5 = 0 हो जाएगा। हमारे पास सिस्टम में एरर है बट समेशन में एरर 0 हो चुका है, विच इज़ अ प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने जो एब्सोल्यूट एरर होता है उसे स्क्वायर करते हैं और एरर को स्क्वायर करके ऐड करते हैं और इससे नेगेटिव एरर जो होता है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। नाउ लेट्स बैक टू द प्रीवियस टॉपिक। अब हमें अपने डेटा से ऐसी लाइन पास करनी है जो मिनिमम एरर की हो, और वो लाइन होगी y डैश इक्वल्स टू p0+p1 × x1। हियर y डैश इज़ आवर प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड y इज़ आवर रियल वैल्यू जो हमारे पास है। ये जो हमने पीछे डेटा सेट देखा था उसमें जो प्राइस था वो हमारी y थी और जो उसमें एरिया था हाउस का वो हमारा x था। वो हमें गिवन होता है बेसिकली, एंड वी नो एरर इज इक्वल टू प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस इक्वल एक्चुअल वैल्यू। सिंस हियर b1 यानी β1 एंड β0 आर अननोन वैल्यूज, सो वी नीड टू फाइंड दीज टू वैल्यूज सच दैट द एरर टर्म शुड बी मिनिमाइज्ड। ओके, इन कोफिशिएंट को फाइंड करने के काफ़ी तरीके हैं और उसमें से सिंपलेस्ट है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, एंड दूसरा जो पॉपुलर मेथड है वो है ग्रेडियंट डिसेंट। तो ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे लीनियर रिग्रेशन यूजिंग ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड फ्रॉम स्क्रैच। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।